पूछ रहे इसमें लेता है हालत ऐसा सब लीज दिया हालत हजरत नहा लीजिएगा। अरे 80 साल का बूढ़ा हो गया बुद्धा हो गया अभी तक जीवन बदला नहीं। बुढ़ा आप कहाँ हुए अभी तो जवान है आप। कौन से क्लास तक पढ़े हैं? 10th पास है सेकंड डिवीजन। हम अनाथ हमारा वंश खत्म हो गया हाँ? हमारा जो वंश है खानदान हाँ? वो खत्म हो गया। इधर क्यों बीन रहा पकड़ी मांग रहा क्या कर रहा है इधर उधर हम पोथेगा बाद में इधर ईशान बना दिया ले जाके मार मार के। बाद में दोस्तों इनको बहुत टॉर्चर किया गया फिर। जय दोस्तों मैं पटना के गांधी मैदान के पास हूँ। एक प्रभु जी मिले देखे किस प्रकार ये हालत बनाए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? उधर लिखा उधर नाम क्या है? उधर लिखा हुआ सब क्या लिखा हुआ है? यहाँ तो लिखा हुआ है वो बड़ा बड़ा हेडिंग में बड़ा बड़ा ऊपर आप खड़ा होकर देखो क्या नाम है देखो वहाँ सब लिखा है हजरत टीपू सुल्तान। अरे तो वहाँ देखो अब हमसे पूरे ना। अरे वैसा नहीं आप जा रही हालत देख रहे हो इसलिए हम वहाँ अब खड़ा होके बताएंगे अब हालत देख ही रहे हो। क्या बात है कहाँ सुने ना अब हालत आप जान ही रहे हो हालत के लिए पूछ ही रहे हो हम समझ रहे हैं। अब फिर आप समझ अब जो पूछ रहे इसमें लिखा है हालत ऐसा इसमें सब लिख दिया हालत लिखा हजरत टीपू सुल्तान जंगली शहीद सुने ना देखो और जो और पढ़ो बहुत है। अरे यहाँ क्या नाम आपका क्या है नाम आपका क्या बता रहे वहाँ इतना कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे हम कर ऐसा हालत है हम मुंह बोल नहीं सकता वो मैं सब लिख दिया है। क्या आपका नाम क्या ही बताइए ना पहले कहा लिखा ले लिखा हुआ हजरत सुल्तान टीपू तो आपको कैसे बताए आप अपना नाम बताइए क्या नाम है बताइए इस प्रकार ही अपना गंदगी में पूरा बताइए आप कैसे बताए आपका गला कैसे लिपते कैसे करे क्या गला आप क्या करने ताड़े हैं देखिए हमारा कहा कैसे कहा बोल रहे आपका हम नाम पूछ रहे हैं आप कहाँ के रहने वाले कैसे बताओ जो सब लिखा ले बोल तो रहे आपका नाम क्या है कहाँ के रहने वाला है बताइए क्या नाम साहब कुछ तो नहीं लिखा हुआ है गप बात गलत ना है आपका दानव नहीं लिखा है तो अब हम कहाँ करें सुनिए अब हम कहाँ बताए वो भीतर से आदमी बुलाए इधर है वो मैं तो बुलाए पहले चलिए ना ए तमन्ना बाबा खादिम देखो कोई आया है तो कहाँ आए हो कितने कहा बात करो ये था भाई दूसरे थे कहाँ पुत्र हो घर हुआ कहाँ आपका हुआ अरे कहा घर नहीं है क्या है घर हुआ ये कहा है हम लोग कहाँ गए रहे कहाँ घर बताइए कितने द्वारी पे आए हैं इतना जिंदगी अब खराब कर ले बताइए इतना गंदगी में आप जी रहे हैं तो ये वाला बोल रहे थे ना तब निकल आप हमारे गंदा फिर कहाँ करे थब वो भी डाल लीजिए माता पिता है आपके अरे बेबीर हमारे तो बोलवा रहे हम इतने नहीं आप अभी छेड़ रहे पांच थंदा ला दिया इनमें सब खादिम है उनका सब बता देंगे। चलिए आश्रम जितना गंदगी में आप रह रहे हैं ये का है आपको हम बोल रहे हैं ये आश्रम नहीं है ये आप कहाँ आए ये कौन चीज है आश्रम है मानते ठीक आश्रम आप मानते हैं आप जाके जाने कि आश्रम आए दूसरे जगह ले जाएगा ये कौन थी यो घर सुना लीजिए ठीक है नहा सुना लीजिए कपड़ा गर्म पानी कहते दवाई अभी पांच कपड़े इतना बेहतरीन हो रहा है इसलिए तुम तो बैठो है बाबा बोले बैठो सुनिए ना मेरा कहना है आज नया बेटा है आज हमको आप क्या बेटा है बताइए आपका रजिस्टर में हम आधे पहले दिन मिले हैं आपसे हाँ पहले दिन मिले हैं झूठ नहीं बोलिएगा सही बात है आप हमसे कई बार मिले इतना बड़ा हमारा एज हो रहा है आप कितना बार हमसे मिले यहाँ पे है कहीं पे कितना दिन थे हमसे मुलाकात आप कब से बात कर रहे हैं कितना बार बतना थे हमसे अभी तक 80 साल एज हो रहा हमारा आप कितना बार हमसे ऐसा बात किए हैं सुनिए आपके पास लिखा नहीं है उसमें देखिए हमारा रिकॉर्ड देखिए हमारा रिकॉर्ड नहीं है अब हम झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं आप सच बोल रहे हैं तो फिर आप जाइए हमारा आपका बात होगा नहीं कैसे नहीं झूठ सच बात हो गया जब झूठ सच बात कैसे होगा कोई बात आपसे मिलवे नहीं किए तो कैसे बोले कि मिले इसीलिए नहीं होगा ना पकौड़ी मांग रहे प्लेट धोते हैं क्या प्लेट धोते हैं थीपा धोते हैं होटल में थीपा धोते हैं होटल में प्लेट धोते हैं दानी नहीं बात सुनो मेरे भाई अरे इतना बतना थे कितना बार हम मिला कितना बार इसका बताया हम रोज 3 रात आदमियों को ये झूठों का हमारा लागल है सुनो ना
कॉप से बचने से इतना बताया, बोल रहा हम एक को दिन नहीं मिला है, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा। कहा इसके पास हमारा बच्चा से एजी है, जहाँ कहा था कहाँ कहा कितना रिकॉर्ड है, रहने वाले कहाँ कहाँ, इसको रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। आपका कंपनी सुने ना, मेरा कंपनी जो है, मेरा कंपनी आपको रहने का खाने का सब अच्छा व्यवस्था देगी। जो रोड पे आप रह रहे हैं जीवन, आप कैसे जी पाइएगा? कौन जीवा, आप ही का कंपनी का जीवन जी रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं, आज मिले है, आज मिले है, ठीक है आज हमेशा मिले आपसे, लेकिन चलिए आज आपका जीवन बदलने के लिए लाए, नहा लीजिएगा। अरे 80 साल का बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, अभी तक जीवन बदला नहीं। बूढ़ा आप कहाँ हुए, जवाने हैं आप, फिर आप उल्टा बदमाशी कर रहे। हम तो बोल रहे आप उसका दो थर चीज बता रहे, तो कैसे होगा कोई बात? हम ही बोले हैं, क्या बोले हम जो चीज बोल रहे आप बोल रहे वो नहीं है। सही है, सही जो आप बोल रहे हैं है, आप जो है सही है। तो आप उठी हम उठी तो बता रहे, आप बोलते तो नहीं है, झूठ बोलता है। ठीक है, सही है, सही बात है, जो भी बोले आप सही है। चलिए नहा लेते हैं, कपड़ा तो दे देते हैं, स्वेटर दे देते हैं। कहाँ ले जाइएगा, कहाँ ले जाइएगा, यही गांधी मैदान में। अरे गांधी मैदान में आप हमसे आजे, हमको रसगुल्ला दीवा नहीं खिलाते हैं? रसगुल्ला तो खिलेवे करते हैं आपको, हम छीन नहीं रहे आपको। छीनवे कहिएगा, आपका रिकॉर्ड में इसमें आपका कंपनी में हमारा नाम सब लिखा नहीं है, नाम लिखा है, नाम लिखा। हम आपको छीने नहीं, छीने तो आपको है नहीं आज बताया है। आप बचना से जब रोज लिखा है, रोज पूछता है, हम छीन गए वो भैया है, हम गोड़ लगे पहले रसगुल्ला हमको बिठा के खाते छिपा लाइन थे, जय श्री राम बोलो दे, इतना बता दे रहे तब। चलिए तो आराम से चलिए, नहा सुना लेते, कपड़ा हम पहन लेते हैं, ठीक ना, आज मिलेगा ये सब। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? पीर जंगली टीपू सुल्तान। क्या नाम है? पीर शहीदी टीपू सुल्तान, जंगली पीर शाह, वो हमारे खिदमतदार है, अंदर दो है खादिम नौकर ये है। हम आप जय बोलता है, जय बोलो हम सब बोले है। आप अपना उसमें रसगुल्ला छिपा लाइन से बैठा खाते है, हमको दीवा भी दिया है। कौन आप रोज छीन रहा है, आप बता झूठ बोलता है, मतलब इतना नाखून बड़ा बड़ा किए हुए है, ये क्यों किए हैं? इतना समझदार है, कितना गंदगी में आप रह रहे हैं, ये क्यों रह रहे हैं, क्या कारण है बताइए? और हम लोग गांधी, ये जीवन है ना, कैसे जीवन ये है, साफ सुथरा रहिए, इंसान की तरह रहिए। चलिए आप कहाँ लेते तो बचा जा बढ़िया थे। चलिए कहाँ, चलिए जहाँ रसगुल्ला बताता है, कहाँ वही जहाँ रसगुल्ला बताता है, नल है ना, जहाँ लाइन पे बैठते हैं, जहाँ चापाकल है ना, चापाकल। हाँ सुनिए, अरे तो हम लोग पैसा कहाँ है, अच्छा अरे अभी दवाई दिखा दे आप, डॉक्टर डॉक्टर हमें हैं, तो दवा दिखाइए, कौन सी दवा है आपके पास? अरे देखिए ये खाया है अभी पेट थोड़ा मिश्री आंवला, जिससे हमारा बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा दवाई आप खाए हैं। ये बाबा है तो कौन दवाई खाएंगे, बहुत अच्छा आपको दवा मिला है, आयुर्वेदिक का आप उपचार है, पेट छेर रहा कट के। हाँ तब सही हो जाएगा, चलिए सुनिए वहाँ चलिएगा ना, तो सबको व्यवस्था भी है, दवा हुआ सब मिलेगा, डॉक्टर चेक कर देगा आपको, आराम से रहिएगा, समझे? चलिए मना कर, इनको बता दीजिए, बता दिए, आइए जा रहे हैं ले। तमन्ना बाबा आइए आइए, कोई आश्रम कोई इलाज उलाज आपका हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब देखिए चोट उठ सब जो जिधर नखून उखून सब पढ़ाए हुए हैं आप, इतना गंदा रह रहे हैं, हम आपको बोला था ना कि आप साफ सुथरा रहिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आप साफ सुथरा रहिए, और आपका हुलिया हवाल ये सब बाबू बदल देंगे, आपको नया नया कपड़ा पहना देंगे, तीन नहीं रहने लगा। देखिए दोस्त पूरा सर इनका फटा हुआ है दोस्तों, वही बोल रहे हैं ना, दोस्तों पूरा इनका सर फटा हुआ है, पता नहीं कौन मारा है इनको, सब जनता एक को छोड़ता नहीं है, जेकरा जाओ रोती दे तो पकड़ी मार बतोड़ दिया, रोती पकड़ी मार। कौन मारा आपको, आपको कौन मारा? ये सब पब्लिक गांव वाला दुनिया वाला। क्यों मारा? रो अरे ओकरा दुआरी पे पहुंचा होता है केनियो दा तो रे कुतो बोल के फाड़ देता है। हाँ पकड़ के ले जा के रख लेता अपना घरे, मार मारते रहता है।
चलिए कोई बात नहीं, अब आराम से आपका जिंदगी बदल रहा है, आपको कोई नहीं मारेगा। अब तो बुढ़ाव है, अब जिंदगी काट दिए, बुढ़ाव है, अब 80 साल का हो गए। अभी 80 का भी जवान है आप? अरे ये जो 86 का बर्थडे है हमारा, बर्थ 86 है, 1986 का डेट ऑफ बर्थ है, 1986 2 जनवरी 1986 का यही रामगढ़ कॉलेज में पढ़ता था, यूपी हजारीबाग। हजारीबाग कौन से क्लास तक पढ़े हैं? 10th पास है, सेकंड डिवीजन। ऐसे नहीं सुना है कि आप, हमको तो हम बोल नहीं पा रहे ना, पेट झर रहा, हम बोले ब्लड निकल जा रहा, हम देखा है धो रहा ब्लड निकलने लग रहा, इसीलिए छोड़ दिया, बहुत चढ़ा है बॉडी, उतना ब्लड निकल जा रहा, कहा दे दिया आगे। चलिए दोस्तों, प्रभु जी का देखिए बाल कट गया, सेविंग हो गया, और इनको जाते हैं आराम से नहा के, उसके बाद आश्रम लेके चल जाते हैं। थोड़ा सा बाल कटने से देखिए किस प्रकार इंसान बदल गए हैं अब इनका। चलिए दोस्तों, हम प्रभु जी को आश्रम लेके जा रहे हैं, वहाँ रहने का खाने का सब व्यवस्था हो गया। चलिए अब प्रभु जी मान गए हैं, पहले बहुत गुस्साते थे, चलिए क्या कीजिएगा। चलिए ना बंदूक से दौड़ से गोली मार दिया। हाँ वह दतवन बुढ़िया बेच रहा, हाँ वह बैठा है स्टेशन जंक्शन शौचालय पुली आश्रम के पास, मार दौड़ थे वही दे, सब कपड़ों फट दिया। जंक्शन कपार कैसे देखे दोस्तों, पूरा इनका कपार फूटा हुआ था, बताइए दोस्तों ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना भैया, बताइए। सब कितना गिर गया है, मतलब इंसानियत खत्म हो गया है ना, कोई चिन्ह नहीं रहा, बचना अनाथ है, एक कोई इसका वारिस है नहीं। अच्छा, हम अनाथ है। तो आप यहाँ रहिएगा, अब मालिक लिया है हम तो, हमारा अंतरिम देख ही रहे वहाँ थे, आप मालिक डाल रहे का करना है। यहाँ गुरु जी का आश्रम है, सदगुरु कृपा घर, जिसका कोई नहीं होता है वो गुरु जी रखते हैं यहाँ। जी पे। जी, तो यहाँ खाना पीना रहना दवा कपड़ा सब चीज मिलेगा, टाइम से भोजन मिलेगा, अच्छा से यहाँ रहिएगा ना। अब दे लीजिए, आप लिया है दो बोलेंगे मालिक वही जानेंगे ना हम। ठीक है, सब कुछ आपको समय से सब कुछ नहाना खाना रहना, पता है गंदगी कितना बाल था, साफ सुथरा हो जाइएगा तो आप अपना जीवन अच्छा से यहाँ जी, ठीक ना, आपको कोई दिक्कत नहीं। हम हो जाओ, अभी चलिए आप नहा लीजिए गर्म पानी में जी, नहा के कपड़ा तक पहन लीजिए, आराम से यहाँ खाना खाइए और जो आपको इच्छा है वो आप कीजिए। जी जी, ठीक ना। आप देखिए, आप बारे में बोल दीजिए नहीं, आप ले आए हैं, आपका विदाउट परमिशन हम कुछ होगा, देखिए आपके अंडर में है ना। हाँ। तो आप ले आए तो आप अपना अंडर में कर लिए, जैसे वो वाला पकड़ के ले गया था। हाँ। चल चल वो रखा है बचरा से मार और के, यहाँ मारना नहीं, यहाँ आपको सिर्फ खाना है रहना है आराम से, जो आप लोग भी ऐसे ही बताते हैं, आपको खूब अच्छा करेगा रखेगा, बच्चा पोसेगा पढ़ाएगा, बाद में ये जीवन देता है। नहीं आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ आपको सिर्फ ऐस का जिंदगी जीना है, ऐसा जीवन बना देते हैं। चलिए आप आराम से रहिएगा सिर्फ यहाँ। दोस्तों ये इनका कहना है कि जब मैं बच्चा था तो आप कितना साल के थे? 6 साल के थे। हाँ, एक ब्रिज पे थे, एक ये पुल पे थे, और ये इनको कोई वही पुल पे आया, बोल रहा थल हमारा था, थल एक लड़का था एक लड़की, एक लड़का था एक लड़की थी, हम तो एज में बहुत उम्र में आपके देखा था, हम छोटा बच्चा था, वो लोग 25-40 साल का था, 25 और 40 साल का, 25 साल की लड़की है, 40 साल का लड़का था, दोनों बराबरी था, दोनों बराबरी, वही दोनों पकड़ के आपको लेके ले, मतलब कि आपको मतलब बहलाया फुसलाया। हाँ, खूब चलो हम तुमको अच्छा थे पोथेगा रखेगा, ऐसा क्यों पुल पे घूम रहा इधर, क्यों बीन रहा पकड़ी मांग रहा क्या कर रहा इधर उधर, हम पोथेगा, बाद में ईशान बना दिया ले जाके मार मार के। बाद में दोस्तों इनको बहुत टॉर्चर किया गया, फिर उसके बाद ये चेक करिए बॉडी क्या पोजीशन बना के रखा, अभी आप चेक करिए बॉडी, बहुत अच्छे मतलब पढ़े लिखे, जो इनका जो लांची रामगढ़ में पढ़ा है, सेकंड में हाई स्कूल पास किया, कौन से स्कूल में? गांधी मेमोरियल उच्च विद्यालय रामगढ़ हजारीबाग के ऊपर, हजारीबाग जिला था रामगढ़। उसके बाद ये वहाँ से मतलब कि भाग कैसे भी अपना जान बचा के भाग गए, वे काम करने लगे मधुरी उधरी दिल्ली में ड्यूटी किए लेबर का, उनके उसके यहाँ बता के जा रहे भैया कैसे अपन पिट जाएंगे, वो ले जाके कुछ नहीं किया,
ऐसा कर दिया। तब हम अपने से पढ़ ओढ़ के वही दिल्ली में मजदूरी करने लगे, पैसा वो सब ले लिया, सब ले लेता है, फिर ऐसे कर देता है, फिर मार के भगा देता है, फिर वे ऐसे हैं। चलिए आप यहाँ आराम से रहिएगा, सदगुरु कृपा अपना घर है, प्रभु जी द्वारा चलाया जाता है, यहाँ से आपको रहना खाना। हम अनाथ, हमारा वंश खत्म हो गया, हमारा जो वंश है खानदान वो खत्म हो गया। आपका खास आपको रहना खाना, हम अनाथ, हमारा वंश खत्म हो गया, हमारा जो वंश है खानदान वो खत्म हो गया। आपका खानदान खत्म हो गया, लेकिन हम लोग का नया खानदान, हम अकेले हैं अनाथ, अकेला बच्चे अपना वंश। ठीक है, अब यहाँ जो है ना हमारा वंश खत्म हो गया, अब खत्म नहीं हुआ, अब ये नया वंश आपका जो है ना जीवित हुआ, चालू हुआ, आपको नया जीवन मिला, जिस प्रकार से आप रोड पे पड़े थे। जी जी, बताइए अभी यहाँ आपको रहना खाना सब कुछ जी अच्छा से मिलेगा, ठीक ना? चलिए, गर्म पानी हो गया ना, चलिए नहा ले, चलिए चलिए दोस्तों, गमछे रख दीजिए, सब साइड में रख दीजिए, पांच पेन ले रहे, देखो अपना मिश्री हुआ ना, मिश्री और जो आपका आयुर्वेदिक दवा, मिश्री या माखन मिलेगा? नहीं, हमारे पेट खराब हो गया, कल से ठंडी लग गया ना, खुला मैदान में थड़क में पड़ा है, ठंडा चालू हुआ, पकड़ लिया देह में, कपने लगा, रख दीजिए तब थलाई, थोड़ा रात को डराते है बतौर के, अब मिश्री खाया है, पेट सही होगा। चलिए आइए, गर्म पानी आइए, अच्छा आइए गर्म पानी आई नहाई वो जग से। चलिए दोस्तों, प्रभु जी नहा रहे हैं, और ये भी प्रभु जी थे, ये भी दोस्तों प्रभु जी थे, रोड पे ये भी भटक रहे थे, अब देखिए दूसरों को, दूसरे प्रभु जी को हेल्प कर रहे हैं ना बाबू। चलिए नहा दीजिए, था रगड़ रगड़ नहा दीजिए, हाँ छोड़ा रहे हैं, ना ना आप फिर सेवा करने के लिए दे रहे, कितना आराम से। देखिए दोस्तों, ये प्रभु जी अभी थोड़ा देर पहले रोड पे भटक रहे थे, जो कि इनका कोई नहीं था, अभी देखिए थोड़ा सा हम लोग का हेल्प करने से, और ये आज खुद सब कुछ कर रहे हैं, नहा रहे हैं खुद से, अभी सारा काम ये अपना खुद कर रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है कि थोड़ा सा इंसानियत अभी ज़िंदा है, और इंसानियत सभी लोगों को दिखाना चाहिए, थोड़ा सा इंसानियत से लोग सुधर सकते हैं, जैसे ये देखिए, और ये प्रभु जी ही थे, ये भी रोड पे ही भटक रहे थे कुछ दिन पहले, आज देखिए दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, क्या बाबू थे ना रोड पे, आज कैसा लग रहा है यहाँ, अच्छा लग रहा है, क्या इम्तिहान, इधर आओ इधर आओ, ये देखिए एक ये भी रोड पे भटक रहे थे, यहाँ रहने से कैसा लग रहा तुमको, ठीक लग रहा ना, आज देखिए ये सारे मिलकर एक नए प्रभु जी जो रोड पे भटक रहे थे, उनको सेवा के लिए एकदम इतना तत्पर है कि मत पूछिए, कहना ही नहीं है, और एक ही है हमारे भैया हैं, इन लोग का जान है ये पूरा पूरा सब कुछ नहीं, पूरा सब कुछ यही संभाले हुए हैं, पूरा प्रभु जी का मालिक है, तो कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, जब इन लोग रोड पर रह कर, रोड पर था जो आज सही होकर दूसरे का सेवा कर रहा था, हम लोग तो और सही है, इन लोग से बहुत बढ़िया थे, हम लोग को और अच्छा से सेवा करना चाहिए, तो आप लोग भी बढ़ चढ़ कर सेवा कीजिए, और इसी तरह वीडियो देख, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोग अपने परिवार वाले से मिल सकें। पूना में भिक्षक रहे थे, वहाँ गर्म पानी देते थे, चुप चुप नहाने के, आप ही बोल रहे थे गर्म पानी कब नहाया था, वो बता रहे थे, वहाँ खूब गर्म पानी देते थे, आपका आश्रम इतने था, भिक्षक ग्रह पूना, हुआ गर्म पानी देते थे नहाने के लिए, घाव है बेटाडीन लगा देते हैं, पूना भिक्षा गृह ग्रह एंटीबायोटिक इनको कीजिए कीजिए कीजिए, पोछिए पोछिए पोछिए, आराम दीजिएगा ना, सूख जाएगा, पोछिए आराम से, घाव आराम से आराम से, काल भी एगो टाटा। श्री श्री वर्दी मालिक आश्रम मालिक, चलिए आपका दिल पेने वर्दी, इधर देखिए ना, हाँ जी थोड़ा सा ऐसे आइए, हाँ। जी अब देखिए आपका सोचे देखे तुम हो सही,
अब आप लिया ऑप्शन पचाना से नहीं आपका हॉलो में बोलते हैं बोलते हैं रसगुल्ला भी खिलाते हैं ना। हाँ जय श्री राम बोलो अभी और कितना सुंदर लग रहा। हम कैसा पड़े कैसा ठंडे में ऐसा आप आए हमारे इतना हेल्प कर रहा मदद कर रहा कितना अच्छा नहीं लगेगा हमको लगा ना आपको जी। अब इसी प्रकार आप अच्छा भी दिया हम कैसन गमछी पहन ले बैठल था अंडर बियर ठंडा लग रहा सब दुनिया का पहन रहा हम औसी कुरकुर कुरकुर है आप चीन गया आ गया हमारा बिरी। चलिए आप यहाँ अच्छा सा आप रहिएगा जी आपको दिक्कत कुछ नहीं होगा जी ठीक ना तंग नहीं कीजिएगा। हाँ अदिले आपका अंडर में आप जो बोलिएगा वो हम कहते दोथर हो जाएगा जो आप लिया वो करेगा कि आप लिया है तो ठीक है। देखे दोस्तों इंसान को प्यार कितना जरूरत है जी प्यार से आदमी कितने अच्छे से बोल रहे हैं रोड पे रहते हैं तो लोग मारते हैं पीटते हैं लेकिन यहाँ आकर कितने अच्छे से अगर इंसान को प्यार दिया जाए ना तो कोई पागल और कोई खराब नहीं है, है ना जी। आप जैसे आप हमारा माता पिता हो गया आप जैसे बोलेगा इधर खड़ा हो ये कुर्सी उठा आप आपने लिया है काम नहीं करना यहाँ काम आपको नहीं करने के लिए मिलेगा। मम्मी डैडी हुआ कि नहीं हुआ जी हम आपका बेटा हुआ कि नहीं आप हमारे सीनियर हुआ नहीं हुआ आप हमारे सीनियर सुनिए आज से आप अनाथ नहीं है जी जी आज से हम ही आप जितने भाई हैं जी जी सब ओनली सब अदरवाइज सब जी 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 जय सदगुरु महाराज की जय राम के धनी की जय बोल बोल पंजे वाले की जय प्रणाम जी जय प्रणाम जी राम जी भाई उठे बैठिए उठे बैठिए। देखिए नए प्रभु जी आए हैं प्रणाम बोलिए प्रणाम। ये अपना परिवार हो गया आपका प्रणाम। ये गुरु जी हैं जी प्रणाम बोलिए स्वामी जी प्रणाम बोल ला रहे हैं मूरी पर रहे हैं जय हो स्वामी। देखिए दोस्तों ये कुछ देर पहले बोल रहा था कि हम अनाथ हैं तो आज से आप हम लोग बोल रहे हैं कि आप आज से अनाथ नहीं है। सदगुरु कृपा अपना घर जी, ये आपका अपना घर हुआ और ये सारे लोग जी, ये सारे लोग हम आपके परिवार हुए जी जी है ना जी। तो आज से आपको अनाथ नहीं बोलना है आप लोग हमारे सीनियर गुरु जी माता पिता ये सारे आप लोग के दोस्त भाई सब बंधु लोग हैं जी जी। देखिए दोस्तों आज से ये कुछ देर पहले अनाथ थे लेकिन आज से सदगुरु की अपना घर इनका घर हुआ और ये सारे लोग हैं जो इनका अपना परिवार हुए हम लोग भी सारे इनका परिवार हुए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। जय हिंद जय भारत।